हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ, आई होप आपको पसंद आए। महाराजा से लेकर भक्षक तक फिल्म आई हसीन दिलरुबा से पहले देख डालिए एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। तापसी पन्नू, विक्रांत मेसी और सनी कौशल अभिनीत फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। यह हसीना दिलरुबा का सीक्वल है। फिल्म 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर दस्तक देने वाली है। इस फिल्म के पहले भाग को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अगर आप भी क्राइम और थ्रिलर फिल्में देखने का शौक रखते हैं तो फिर हसीन दिलरुबा से पहले नेटफ्लिक्स पर मौजूद इन शानदार फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 1 की बात करें तो महाराजा। विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर भी अपना जलवा दिखा रही है। फिल्म में अनुराग कश्यप नकारात्मक भूमिका में है। दर्शकों को फिल्म की कहानी खूब पसंद आ रही है। खास तौर पर फिल्म के क्लाइमेक्स ने लोगों का सिर घुमाकर रख दिया है। वहीं नंबर 2 की बात करें तो भक्षक। भूमि पेंडेकर की गिनती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में होती है। हाल ही में उनकी फिल्म भक्षक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन पुलकित ने किया था। क्राइम और सस्पेंस से भरपूर ये फिल्म दर्शकों पर अपना जादू चलाने में कामयाब रही थी। वहीं नंबर 3 की बात करें तो बदला। तापसी पन्नू अभिनीत फिल्म बदला उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। सुजय घोष के निर्देशन में बनी इस फिल्म के क्लाइमेक्स ने दर्शकों को हैरान कर दिया था। इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। नंबर 4 की बात करें तो हसीन दिलरुबा। इस सूची में तापसी की हसीन दिलरुबा का नाम भी शामिल है। फिल्म में तापसी, विक्रांत और हर्षवर्धन राणे की अदाकारी लोगों को खूब पसंद आई थी। दर्शकों का भरपूर प्यार मिलने के बाद अब फिल्म की सीक्वल लोगों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।